हमीरपुर रात में खेल खेलने बच्चे की हुई मौत, घर में रखे पत्थर से हुई घटना। घर में खेल रहा था 10 साल का मासूम, अचानक गिरी थी एक तीखे पत्थर, मासूम की मौत। मामला हमीरपुर रात कोतवाली का है, जहां आज लगभग शाम को 5 बजे जतिन पुत्र ब्रजेश गुप्ता निवासी सिकंदरपुरा, उम्र 10 वर्ष, घर अभी स्कूल से वापस ही आया था कि अचानक घर में चीख पुकार मच गई। घर पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, घर पर रखे फंस के पत्थर को उठाने की कोशिश जतिन करने लगा, उसी वक्त पत्थर उसके गर्दन पर जा गिरा। वजन ज्यादा होने के कारण बच्चा उसको संभाल ना सका और बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आनन फानन में CHC राठ ले जाया गया, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर दिया। आज जरा सी लापरवाही एक माँ के आंचल को सूना कर गई कि माता पिता बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि बच्चों से ज्यादा काम पर ध्यान दे रहे हैं। हमें जरूरत है अपने माता पिता अपने बच्चों के साथ कुछ पल बिताए। इंडिया टॉप न्यूज से बॉलीवुड चीफ अतीक खान की खास रिपोर्ट, हमीरपुर। नाम है आपका? चंद्रशेखर जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? क्या घटना घट गई है? कितने टाइम स्कूल से आए थे? स्कूल से आए 4 बजे। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? बच्चे का क्या नाम है? सेवा कहते हैं, सेवा गुप्ता। फिर किसने देखा था इस बच्चे को? जो लेबर काम करते सर। भी एक बच्चे को सिकंदरपुर से लाया गया है जो की मृत अवस्था में है। सर क्या है पूरा मामला? 5 बजे जतिन गुप्ता पुत्र ब्रजेश कुमार गुप्ता यहाँ लाए गए और महिला बटालियन के हिसाब से बच्चा घर में था, खेल रहा था स्कूल से आकर के, और वहाँ के घर में काम चल रहा था, तो हम क्या जिप्सम की छत को स्विच रखी हुई जिस बच्चे दिल पे दब गया। सर जब हॉस्पिटल लाया गया तो क्या थी उनकी? जब मैं चोट लगा था उनको नाम लगा।